हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि कल आपको चैप्टर बताया था, कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका को जीवन की इकाई हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, और इकाई का मतलब ये होता है जो सबसे छोटी यूनिट, इकाई का मतलब यूनिट होता है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटा क्या है? कोशिकाएं हैं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, तो आपने चैप्टर का नाम डाला होगा कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई आपने डाला, इसमें आप स्टार बना बना के लिखिए इसके बारे में। जैसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जीवधारियों की, सबसे पहले जीवधारियों की कोशिका को, सबसे पहले जीवधारियों की कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा तथा इसे कोशिका नाम दिया, ठीक है भाई। तो यानी कोई आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या कहेंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जिनने पहले देखा उसी ने खोज की। या जैसे आपको सामाजिक में पढ़ने को मिलता कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज किसने की? भारत की खोज थोड़ी ना की थी यार उसने। आप सोच के देखिए, भारत में वो आया था 1498 में, वास्को डी गामा आया था, सोचने वाली बात है। तो भारत की खोज क्या 1498 में हुई? उससे पहले कुछ था ही, उससे पहले राजपूत थे, ये सब क्या मतलब था इसका? तो खोज नहीं की उनने, क्या किया? पहले बाहर से आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत को देखा था कि हाँ यहाँ पे भारत है, तो उन्होंने कह दिया भारत की खोज की। खोज का मतलब क्या भारत था ही नहीं क्या? मतलब कहीं से खोज के लिए आया थोड़ा ना था। तो खोज का इन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोशिका पहले थी नहीं, कोशिका तो पहले यार मनुष्य के शरीर में कोशिका तो पहले भी होगी, लेकिन सबसे पहले देखा किसने? रॉबर्ट हुक ने देखा। तो रॉबर्ट हुक ने देखा, इसलिए कह देंगे कि रॉबर्ट जिसने पहले देखा उसी ने खोज की, भाई सीधी सी बात है। तो सबसे पहले जीवधारियों की कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा और इसे कोशिका नाम दिया। अगला लिखिए, लिखिए कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। 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 ठीक है भाई, ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, और इसी में लिखिए अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, हेडिंग डाली है अब कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार दो तरीके की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। कोशिकाओं के प्रकार, तो एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, चार अंतर लिखाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, कोशिकाओं के प्रकार में यानी दो प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक की तरफ लिखिए नंबर एक, यूकैरियोटिक की तरफ लिखिए नंबर एक, लिखिए यह कोशिका मोटी होती है, यह कोशिका मोटी होती है। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे, जब यह मोटी होती तो फिर वो वाली कैसी होगी? पतली होगी। लिखिए यह कोशिका पतली होती है, यह कोशिका पतली होती है। यह कोशिका मोटी होती है, तो दूसरी हो गई
पतली होती है। लिखिए इसमें केंद्रक, केंद्रक विकसित होता है, मतलब इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक अविकसित होता मतलब नहीं होता है, इसमें केंद्रक अविकसित होता है, विकसित अविकसित कुछ नहीं, इसका मतलब यह है इसमें केंद्रक होता है और उसमें केंद्रक नहीं होता, बस इतनी भाषा में समझिए। फिर लिखिए इसमें रिक्तिका होती है, उसमें नहीं, रिक्तिका मतलब खाली जगह। नंबर तीन, इसमें रिक्तिका होती है, इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। एक याद करो, एक के संग एक फ्री, इसमें रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। तो एक में रिक्तिका है, एक में रिक्तिका नहीं है, इसमें रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। ठीक है भाई। फिर एक होते हैं राइबोसोम, इसी चैप्टर में सब पढ़ने को मिलेंगे। नंबर चार, देखिए इसमें 80S या 805 मत समझ लेना, ये 80S लिखा हुआ है। 80S दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। सर जी क्या, जी क्या होता है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा 70S 80S राइबोसोम होते क्या है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, इसमें क्या लिखोगे, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, तो कुल मिला के आप पढ़ रहे हैं चैप्टर कोशिका। क्या होता है कोशिका भैया, कोशिका हमारे शरीर की छोटे से छोटा हिस्से जो है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में सबसे पहले किनने देखा, रॉबर्ट हुक ने, किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने, यानी आप क्या कहेंगे कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और नाम क्या दिया, कोशिका। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहोगे, कोशिका विज्ञान। फिर बताओ कोशिकाएं कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक, या फिर एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कैसी होती है, मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है, पतली होती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। उसमें रिक्तिका होती है, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इसमें 70S प्रकार। कितना सरल है, एक मोटी है एक पतली है, एक में रिक्तिका है एक में नहीं है, एक में केंद्रक है एक में नहीं है, एक में 80S प्रकार के राइबोसोम है, एक में 70S प्रकार के राइबोसोम। देखो याद